श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल यस जो दायक फल चारु बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि दी द्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ, हमारे श्रोता बंधुओं, राठौर कैसेट के माध्यम से मैं ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद की पावन कथा आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो श्रोता बंधुओं, आज हम प्रभु की पावन चर्चा राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचावें। उससे पहले देखिए, एक प्रभु का भक्त अपने प्रभु की क्या वंदना कर रहा है कि सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए के माध्यम से ये लक्ष्मण परशुराम संवाद की कथा में
हमारे सब वही पुराने सहयोगी साथ दे रहे हैं। ढोलक पर पुत्तूलाल, घड़े के ऊपर हमारे बहुत परम स्नेही आपके पुराने राम शरण पत्रकार, घुंघरू के ऊपर हमारे प्रेमचंद जी, और सितार के ऊपर बबलू भैया व आर्गन के ऊपर हंसराज जी का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और ठीक हमारे सामने हमारे रिकॉर्डिस्ट सहयोगी आपके पुराने अभिलाख सिंह राठौर जी का सहयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, बोली हनुमंत लाल की। श्रोता बंधुओं, प्रभु राम की पावन कथा हम आपके समक्ष सुना चुके हैं, उसके बाद से ये कथा आरंभ होती है। और ये कथा प्रसंग उस समय से चल रहा है जिस समय माता जगत जननी जानकी ने प्रभु राम को धनुष टूटने के बाद वरमाला पहना दी है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। जय माला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पुण्याद। माला पहना दी। माला पहनाने के बाद उस धनुष यज्ञ स्थल में थोड़ा देर तो आनंद का समय रहा। उसके पश्चात जब सीता जी महलों की तरफ जाने लगी, सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। इधर तो सीता जी माला पहना करके प्रभु राम को महल की तरफ जाती हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा जोरों का शोर होता है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि ये शोर किसका है। अरे ये शोर उन पापियों का है, उन बकवादियों का है, उन ईर्ष्यालुओं का है जो हमेशा एक दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मन मुटाव रखते हैं। ये वस्तु तो हर एक जगह है, ये प्रक्रिया तो हर एक जगह है, चाहे घर ले लें, परिवार ले लें, व्यापार ले लें। वही हाल यहां है कि जब प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया तो बहुत सारे पापी अभिमानी राजा यहां मौजूद थे, जो कि विचार करके तो ये आए थे कि रंगभूमि में हमारे गले में ही जानकी की वरमाला पड़ेगी, मगर ये उनके अरमान दिल के दिल में रह गए। ये उन्हीं का शोर नजर आ रहा है। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंगभूमि में लगे बजाने गाल। गाल बजाने लगे, शोर मचाने लगे। तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब चिल्लाते क्या है। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय है तलवारों पर, कट जाओ मरो शान पर अब पुतुलाल, खेलो अब अपने प्राणों पर, और कर दो लोहू से लाल लाल भूमि ले सिया को प्राणों पर।
बतलाओ। अब तक धनुष के ऊपर निर्णय था, लेकिन अब ये निर्णय तलवारों के ऊपर होगा। अरे वीरो, कट जाओ, मर जाओ, अपनी शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दो, इस धरती माँ को खून से लाल लाल कर दो। अरे हमारे तुम्हारे ऐसे महान वीर योद्धाओं के होते हुए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये जानकी को ले जाए, ये तो हमारे लिए डूब मर जाने वाली बात है। शोर हो रहा है, इतने में आ गए। कौन आ गए भैया राम शरण जी? इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। जब महाराज जनक जी ने ये आवाजें सुनी तो कहने लगे, अरे भैया, जब सांप चला गया तो लकीर क्यों पीट रहे हो? जब वो समय चला गया, जब वीरता दिखाने का था, तब तो आप लोगों ने वीरता नहीं दिखाई, अब बेकार में थोती बातें पीछे में करते क्यों घूम रहे हो? तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनुआ के संग हुई, अब नीची नाकों घर जाओ, सब सूर वीरता भंग हुई। कर सेखी अब गाल ल जाते पेशानी में, रखते हो शरम शान की, कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। अरे जाओ, डूब करके मर जाओ, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारे तीर, ये तुम्हारी गर्मी, ये सब धनुष के टूटते ही बेकार हो गई। अरे अब नीची नाक लेकर पुत्तूलाल घर जाओ, तुम्हारी सूरवीरता सब भंग हो गई, बेकार की सेखी मार रहे हो, बात बात में तलवारें दिखाते हो। अरे इतनी अगर शर्म थी, शान थी, तो धनुष के समय दिखाते वीरता। अरे अब क्या वीरता दिखा रहे हो, शरम से जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो ना जाए उत्पात। अभिलाख भैया, आपस में वहां के नर नारी सोच रहे हैं ऐसा ना हो कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए। इधर तो सीता जी अपनी मां सुनैना के समीप पहुंचती हैं, मन में अपार प्रसन्नता लिए हुए, और उधर प्रभु राम मन में अपार मीठी मीठी मुस्कान भर के, बबलू भैया जा रहे हैं कहां? अपने गुरु की तरफ। राजाओं की गति देख देख चिंतावत युक्त नृपाल हुए, उधर उस छोटे सूरज बंसी के आंखों के डोरे लाल हुए। इधर तो भगवान पहुंचे, और इधर लक्ष्मण जी ने जब राजाओं की बातें सुनी ना, तो बड़ा क्रोध आ गया, क्रोध आ गया कि लाओ इनको हम जवाब दें। मगर इतने में प्रसंग बदल गया, माहौल बदल गया, वातावरण बदल गया। लक्ष्मण कुछ करते, विचार करते, राजाओं को जवाब देते, मगर इससे बीच में क्या हुआ, कुछ का कुछ हो गया। क्या हुआ? इतने में तप भूमि में सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में, कौन? भृगुकुल कमल पतंग। सभा में आ गए, नया मेहमान एक आ गया। कौन आया प्रेमचंद भाई? भृगुकुल कमल पतंग। ये सारी उपाधियां सिर्फ एक व्यक्ति को प्राप्त हैं, और उनका नाम सभी जानते हैं, परसाधारी वीर परशुराम। वीर परशुराम का आगमन हो जाता है सभा के मध्य में। ऐसे लगा परशुराम जब आए तो ऐसा लगा जैसे बसंत के उपरांत ग्रीष्म आ गया हो, या हाथियों के झुंड में सिंह आ गया हो। ऐसा ही लगा जैसे कि तेजस्वी क्षत्रियों के बीच में आज ब्रह्म तेजस्वी परशुराम आ गया हो।
कैसा शरीर है परशुराम का श्रोता बंधुओ, गोरे तन पर थी भसम रमी। गोरे तन पर थी भसम रमी, जुड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तूणी रक्तीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल जनु, अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का भेषधार, साक्षात वीर रस आया है। अरे तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर आया है। मानो मुनियों का भेषधार, साक्षात वीर रस आया है। ऐसा सुंदर शरीर देख करके परशुराम का वहाँ के राजा सब दहल गए, सन्नाटे में आ गए। जो छोटे मोटे थे वो तो सरपट खटमल जैसे भाग गए, जैसे प्लेटफार्म के ऊपर बगैर टिकट वाला जो है ना टीटी को देखकर भागता है पुतुलाल, वैसे ही भाग गए। कुछ रह गए, उनसे इंट्रोडक्शन परिचय पूछा जा रहा है, वो सब डर डर के अपना नाम बताते जा रहे हैं। सीधे स्वभाव श्री परशुराम जिस तरफ नजर घुमा देते हैं, उधर एकदम सन्नाटा छा जाता है। मिथुलेश्वर ने भी किया शीस नवाज सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। आज जानकी ने प्रणाम किया, महाराज जनक ने प्रणाम किया, और सभी ने राम लक्ष्मण ने भी सर झुका झुका कर प्रणाम किया। आज सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं परशुराम जी। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। आज राम लक्ष्मण को प्रणाम करवाया, यहां पर महाराज जनक जी ने एक चालाकी की, जानकी को भी चरणों में झुका दिया। जानकी को झुका दिया जब वीर परशुराम जी के चरणों में, तो परशुराम जी बिना सोचे समझे भैया प्रेमचंद आशीर्वाद दे बैठे। कौन सा आशीर्वाद? सौभाग्यवती भव तू बेटी, सिंदूर से मांग न खाली। सौभाग्यवती भव तू बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारो वाली हो।
जनक से परशुराम जी पूछने लगे, हे मिथिलेश्वर, क्या कारण है? हम देख रहे हैं तुम्हारे यहाँ बड़ा भीड़ भाड़ है, ये बड़ा शोर शराबा है, बहुत से लोग इकट्ठा हैं, बड़ा कुछ आनंद जैसा आ रहा है। हे जनक, कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? या अभी शोर सा कैसा था, वीरों ने छेड़छाड़ क्यों है? मिथिलेश्वर ने सिर झुका, तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनुआ की थोड़ी कथा कही। श्रोता बंधुओं, क्या होता है, मिथिलेश्वर ने आज से अंत तक परशुराम जी को सारी कथा सुना डाली कि महाराज, हमारी कन्या का स्वयंवर था जानकी का, और ये स्वयंवर में तय था कि जो भी वीर योद्धा धनुष को उठा करके उसके टुकड़े कर देगा तो डालेगा, वही हमारी जानकी से नाता जोड़ेगा। राम और लक्ष्मण ने धनुष को तोड़ डाला और हमारा प्रण पूरा हो गया। धनुष टूटने का नाम जैसे ही परशुराम के कानों में पड़ा, ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो, ऐसा लगा जैसे संसार में धमाका सा हो गया हो। लाल लाल आंखें हुई और गर्मा गया शरीर, तेजस्वी द्रज ने तभी की गर्जना गंभीर। मारे क्रोध में आ गए परशुराम, आंखें लाल लाल हो गई, सारे शरीर में गर्मी आ गई और जोर से गर्जना करके कहने लगे, कौन? वीर परशुराम, महाराज जनक से। अरे ओ मिथिलापति, जरा इतना तो बता। ओ मिथिलापति, अब ये बतला, धनुआ ये किसने तोड़ा है? सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी पृथ्वी तेरी है, अब उलट पलट कर डालूंगा। अरे बोल जनक बोल, किसने धनुष को तोड़ा है? अरे किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी बता, वरना सारा सब कुछ चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी तेरी है ना, उसको पलट उलट करके रख डालूंगा। जिस समय गर्जे बंधुओं परशुराम, रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, और तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। परशुराम के तेज की आग आज जनकपुरी में दहकने लगी। सारा दल जो है वो कांपने लगा पुतुलाल। मिथिलेश्वर महाराज जनक भी कांप उठे, आज क्या होगा? चुपचाप बिल्कुल बुत के समान खड़े हो गए, चेहरा उतर गया, मुख से कुछ निकलता नहीं है महाराज जनक के। सीता जी को वह बाधा सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ,
उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। सीता का तो एक एक पल एक एक कल्प के बराबर कट रहा है, और इधर लक्ष्मण के भी तेवर फन 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 पुतुलाल तिरछे होने लगे। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, समय समय को देखकर, सभा को देखकर और सीता को दुखी देखकर सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। आज जब समय को देखा, राजाओं को देखा, महाराज जनक को देखा, तो आज सीधे स्वभाव से प्रभु राम कहने लगे किससे, आज परशुराम जी से, कि महाराज आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जानना चाहते हैं ना कि ये धनुष किसने तोड़ा है, ये अधिकार किसने लिया है? तो नाथ ये तो आप जानते ही हैं, ये कार्य करने वाला, ऐसा करने वाला कोई और नहीं होगा। नाथो शंभु धनु अरे भंज निहारा, नाथो शंभु धनु भंज निहारा, हंसराज होई है को एक दास तुम्हारा, मीठे वचनों में कहने लगे, महाराज आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, कोई आपका सेवक होगा, और जिसने ये अपराध किया है, जिसने धनुष को तोड़ा है, वो भी कोई आपका दास होगा। इतनी बात जब सुनी तो और आ गए क्रोध में। अरे मूर्ख बालक, बना राम घूमता है, अरे तुझे मालूम है सेवक किसको कहते हैं, या सेवक का नाम क्या होता है, या सेवक किसे कहा जाता है? सेवक सो जो करे सेवकाई, हाँ सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सोई रिपु मोरा। सेवक सो जो करे सेवकाई, हाँ सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा,
लटकाई अर करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा सास बाहु सोई रिपु मोरा। इसलिए सो बिलगाउ बिहाई समाजा बिल गाउ बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परुष धरही अपमाने। अरे राम तुझे मालूम है कि सेवक किसे कहते हैं? अरे सेवक वो होता है जो सेवा करता है सेवा। ये तो जिसने भी ये कार्य किया है ये लड़ाई वाला कार्य किया है बैरियों वाला कार्य किया है। इसलिए मेरा कहना है इस भरे दरबार में इस भरे धनुष यज्ञ जनक की सभा में कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सभा के बाहर आ जाए। अन्यथा मैं ये कहता हूं कि मेरे इस फरसे से इस जनकपुरी के यज्ञ स्थल में बैठा एक एक राजा मारा जाएगा। सब तो सुनते रहे लेकिन लक्ष्मण जी से भैया सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण कहने लगे महाराज कैसी बातें आप करते हो? बहु धनु ही अरे तोरी लड़काई कबहू ना सीरी सी कीने गोसाई। बहू धनु ही लड़काई कबहू नया सिरिस कीन गोसाई। एही धनु पर मम ताके ही भृगुकुल के तू सुन रिसाई कहा भृगुकुल के तू। आप खामुखा में नाराज हो रहे हैं? अरे बचपन में पता नहीं हमने कितने धनुष जो है खेल खेल में तोड़ डाले, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। अरे इस धनुष पर आपकी कौन सारी इतनी ममता है जो मारे बिगड़े जा रहे हो, मारे बिगड़े जा रहे हो, लड़ाई जा रहे हो, फरसा बार बार दिखा रहे हो। लक्ष्मण ने घी का काम किया, जैसे आग लगी हो उसमें कोई घी डाल दो। मारे क्रोध और बढ़ गया परशुराम का। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार धनु ही सम त्रपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे ओ छत्री के लड़के लक्ष्मण मुंह संभाल कर बात नहीं करता है? परशुराम से गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, कहने लगे क्या? बोले ओ राजा के लड़के नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे
ऐसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। अरे ओ राजा के लड़के, मुंह संभाल कर बात नहीं कर रहा है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है, महादेव के धनुष को बताता है छोटी छोटी धनुइयों के बराबर है। ऐसा प्रचंड कोदंड धनुष की बराबरी छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। तेरी मौत लगता है मेरे हाथों आ गई है। लक्ष्मण ने फिर आग में घी डाल दिया, कहा मुनिवर हम तो बच्चे हैं, हम तो ये समझते हैं कि सब धान 22 पसेरी। लखन कहा हंसी हमारे जाना, लखन कहा हंसी हमारे जाना भैया भिलाख, लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। टूट ये बाबा परशुराम पुतुलाल, छुअत टूट टूट टूट, और कैसे छुअत, देर नहीं लगी, छुअत टूट रघुपति नहीं दोषी, छुअत टूट रघुपति नहीं दोषी, मुनि बिनु काज करिए कति रोसू। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुने शिशु भाऊ न मोरा, परशुराम अरे दुष्ट बालक, बात बात में मेरी बात करता जाता है, क्या तूने मुझको न्योथारी बामन समझा है जो न्योता खाने के लिए आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं? मुझको सीधा ब्राह्मण राजान ये समझ ले, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, द्रोही भृगुवंशी हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोधी हूं और साथ साथ में निर्मोही भी हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े से खून की नदियां बहा दी जाएंगी, इस आर्य भूमि में छत्राणियां बार बार रान बना दी जाएंगी। क्या तूने मेरे फरसे के बारे में नहीं सुना? मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है, उसकी सहस्त्र भुजाओं का विनाश किया है, इस फरसे को भी तू बिलोक ले, ये फरसा खून चाटने वाला है लक्ष्मण, खून चाटने वाला। लक्ष्मण ने फिर पेट्रोल डाल दिया। लक्ष्मण बोले देखना 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 पुतुलाल, नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में हवा न लगने पाए। लक्ष्मण ने कहा महाराज ठहरो ठहरो, बस संभाल लो, तुम्हारे फरसे को कोई नजर ना लग जाए, जादू टोना ना लग जाए, मिर्चा उतारे आओ, दबा लीजिए। कहाँ दबा लीजिए, और तो कहीं जगह है नहीं, अपनी कांखे में दबा लो, कहीं हवा लग गई तो धार कम हो जाएगी फरसे की भैया बबलू। अरे बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। लोग कहते नहीं है, एक मुर्गा कहीं जा रहा था तो उसको एक चींट मिल गई कपड़े की, वो समझने लगा मैं कपड़े का दुकानदार बन गया,
वही हाल आपका है। एक हल्दी की गांठ मिल गई तो हल्दी की बाजार में थोक का व्यापारी अपने को समझने लगे। एक परसा क्या मिल गया, बार बार उस परसों से सूरवीरों को चुनौती देने लगे। अरे अब बीत चुकी सो बीत चुकी, अब ये आम बड़े महंगे पड़ेंगे, परसे में इतनी प्रबलता नहीं रह गई। हाँ बूढ़ी बाणी में तो दम है, लेकिन इस बूढ़े फरसे में भैया रामशरण जी ताकत नहीं है। अरे क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। और बलिहार आप तो फूकों से उदया चल पर्वत उड़ा रहे। उस माई के लाल नहीं, किस माई के लाल नहीं भैया नवीन, अरे हम उस माई के लाल नहीं, हवे से जो डर पा जाए, अरे वहां छुई मुई के पेड़ नहीं, अंगुली से जो मुरझा जाए। फरसा दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, क्या समझा है आपने हमको? जाना क्या है? अगर हमने आपको नहीं जाना है तो आपने हमको भी नहीं जाना है। अरे यहां कुम्हार बतिया को नहीं, यहां कुम्हार बतिया को नहीं, जो सरजनी देख मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछ कहूं सहित अभिमाना। अरे आज जब ऐसी बातें कही ना, तो परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद, सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। अरे लड़के चुप हो जा, क्यों बार बार तू हमारे क्रोध को बढ़ा रहा है, बात को बढ़ा रहा है, विवाद को बढ़ा रहा है। देख दूध मुहे, अरे दूध मुहे पुत्तू, आज कह रहे हैं क्या? अरे दूध मुहे हंसी छोड़ दे, अन्यथा रुलाएगा परसा और कर देगा खट्टे दांत, अभी ये स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। एक बच्चा है बच्चा, तू बच्चे जैसा रह, और अगर मेरे जैसे क्रोधी के आगे तूने अपना बचपना नहीं छोड़ा ना, तो मौत बुलाएगा, बिन मौत मारा जाएगा। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, और रहे आपकी ओर ही नाथ हमारा क्रोध। लक्ष्मण कहने लगे, महाराज एक बात कहे, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं। क्यों भैया बबलू? श्री महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। तुरसी से तुरसा जाए,
है परसों की लपटों से अत्याधिक उबाल न आ जाए। राठौर कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, हम ये बता दें आपको कि ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग एक चल रहा है। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी डालने से आग बढ़ जाती है ना, उसी प्रकार से भैया पुतुलाल परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। आंख का इशारा किया कि लक्ष्मण भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बरज करके शीतल, जैसे कोई झुलसा हुआ व्यक्ति हो, प्यासा व्यक्ति हो, उससे के मुख में कोई पानी डाल दे, वैसे ही मधुर वचनों से परशुराम जी से बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे, प्रभु राम भगवान ने बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वो तो गंगा का है बहाव, वो तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। देख कर ही वीरों का भेष देख कर ही इसमें की इतनी बातें। सब प्रकार निर्दोषी है, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी को मैं। आज बड़े शीतल वचनों में प्रभु कहने लगे, नाथ बच्चों को अपने बोलने में उचित और अनुचित का ध्यान कहाँ रह जाता है। जब गंगा का बहाव आता है, उस बहाव में जो भी आता है वो बह जाता है। फिर नाथ, आप अगर ब्राह्मण की भांति आते तो शायद ये आपकी लाते भी सह लेता,
मगर आप तो वीरों का भेष लेकर आए हैं, इसलिए इसने इतनी सारी बातें आपसे कह डाली हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर इसका कोई अपराध हो गया है, अगर आप उसको दंड देना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, तो नाथ इसका अधिकारी मैं हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोष है, आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। परशुराम ललकार कर कहने लगे, हे राम, शायद तुमको ये नहीं मालूम है कि जिसने भी अपराध किया है या जो अपराधी है उसके लिए मेरी फरसे की धार है, मेरा ये फरसा है। लक्ष्मण से फिर नहीं रहा गया, फिर बोल पड़े प्रेमचंद भैया। लक्ष्मण बोले फिर वही, अरे रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है ये कहता है कौन। कौन कहता है, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। कौन कहता है कि मेरे भैया अपराधी हैं, बड़े भाई अपराधी हैं या राम अपराधी हैं? अरे अपराधी तो उल्टा आप हैं जो यहां आ गए कांटा बनकर, हमारा उत्सव बिगाड़ने चले आए, हमारा माहौल बिगाड़ने चले आए, हमारा सब किया धरा पानी फेरने चले आए। अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला अब घी निकालने आए हो। ये धनुष, हे बाबा, ये धनुष तो अनगिनती बरसों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथुलेश्वर के कब्जे में था, जानकी की संपदा बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में भैया विलास, क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो। ब्राह्मण रोने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। कौन कहता है कि मेरे भैया अपराधी हैं, कौन कहता है कि राम अपराधी हैं? ये धनुष पता नहीं कितने बरसों से इस मिथिलापुर में पड़ा हुआ था, इस मिथिलासुर में पड़ा हुआ था, महाराज जनक के कब्जे में था, उनकी बपौती यानी उनकी धरोहर उनकी संपदा बना हुआ था। फिर महाराज जनक इसके मालिक थे, उन्होंने जब इच्छा इसको तोड़वा डाला। अब तुम कौन होते हो बीच में गड़बड़ झाला करने वाले? भाई जिसकी चीज थी उसने तोड़वा डाली, हमारी चीज हम चाहे जिसको दें, हमारा सामान हम चाहे जिसको दे या तोड़े या फोड़े, इसके मालिक भाई आप तो नहीं पुतुलाल। परशुराम जी आप क्यों बीच में गड़बड़ झाला करने आए हैं? क्या इस मरे हुए धनुष के बुढ़ापे में तुम बूढ़े बाबा रोने आए हो या क्षत्रियों का समाज देख करके अपना सिर खोने आए हो? परशुराम उबले कहा,
और क्रोध बढ़ गया, बढ़ते ही जा रहा है क्रोध। पर उस राम उबले कहा, फिर भी वो बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। परशुराम उबले कहा, फिर भी ये बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। पितु के ऋण से उरण हुआ जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। से उरण हुआ जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खजुलाता है। अरे बालक, परशुराम उबल करके कहने लगे, अपनी बकवास छोड़ दे वरना तुझको अभी स्वाद चखाऊंगा। शायद तुझको ये नहीं मालूम भैया, शायद तुझको यह नहीं मालूम कि मेरा परिचय क्या है और मैं कितना खूंखार हूं, कितना निर्मोही हूं। जो पितु के ऋण से उरण हुआ तो माता का बलिदाता है, मैं वो हूं जो अपने पिता के ऋण से उरण हो गया लेकिन मां का मैंने अपनी बलिदान कर दिया। तुझको नहीं मालूम? वास्तव में सज्जनों, वीर परशुराम जो थे ये अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी थे। इनकी पहले की घटना बताते हैं विद्वान लोग कि इन्होंने अपनी मां का संहार कर दिया था अपने पिता के कहने से। जिसके हाथों से हुए, ये वही परशुराम है, अपना परिचय दे रहे हैं कि मानी नृप संहार, यहां कहेंगे हम वही परशुराम अवतार। आइए थोड़ा सा बता दें परशुराम की वीरता, कि कितने वीर थे और कितने आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के। या ऋषि कुल में होने वाला तेजस्वी अंश ब्रह्म का था, जमदाग्नि पिता कहे लाते थे माता का नाम रेणु का था। यहाँ योगी थे बैरागी थे, धनुए के भी अधिकारी थे, रण कोविद बलधारी भी थे, विख्यात ब्रह्मचारी भी थे। जिसके हाथों से हुए, ये वही परशुराम है, अपना परिचय दे रहे हैं कि मानी नृप संहार, यहां कहेंगे हम वही परशुराम अवतार। आइए थोड़ा सा बता दें परशुराम की वीरता, कि कितने वीर थे और कितने आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के। या ऋषि कुल में होने वाला तेजस्वी अंश ब्रह्म का था, जमदाग्नि पिता कहे लाते थे माता का नाम रेणु का था। यहाँ योग
हनुए के भी अधिकारी थे, रण कोविद बलधारी भी थे, विख्यात ब्रह्मचारी भी थे। ये वीर परशुराम जो थे ये ऋषि कुल में पैदा हुए थे और इनके चेहरे पर ब्रह्म का तेज था। इनके पिता का नाम था जमदग्नि और इनकी माँ का नाम था रेणुका। ये योगी थे, बैरागी थे, धनुआ का अधिकार था इनको रखने का, रण विद्या को जानने वाले थे, बलधारी थे, विख्यात ब्रह्मचारी थे पुतुलाल। ये अपना ध्यान किए बैठे थे और इधर क्या हुआ कि इनके पिता जमदग्नि अपना आश्रम में प्रभु का भजन कर रहे थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु, जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी, वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया अपनी सेना फौज को लेकर के। थोड़ा देर ठहरा और चलने लगा तो ऋषि जमदग्नि ने कहा राजा सहस्त्रबाहु से, क्या कहा? बोले जमदग्नि नृपति ठहरो, बोले जमदग्नि नृपति ठहरो, है मुश्किल राह नजर आना। हो रहे आज सत्संग यहीं, भोजन कर सुबह चले जाना। जिसका सारा प्रबंध करके भोजन पानी भी देना है। यदि से यहाँ ठहराता हूँ तो भोजन को क्या रखा है, या धूनी वाली कुटिया है या सूखा सा दरिया ही है। जमदग्नि ऋषि यानी परशुराम के पिताजी ने कहा, महाराज यहाँ ठहरिए आप, अब रात हो गई है, अब आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, अब आप यहाँ ठहरे, सुबेरे अपने चले जाना। राजा ने कहा, तेरी बात तो हमें मान्य है ऋषिवर, मगर इस मेरे साथ में मैं अकेला तो हूँ नहीं, इतनी लंबी चौड़ी फौज है, सेना है, और इस सेना का भोजन का भी प्रबंध करना है। तेरे पास यहाँ क्या रखा है, धोनी कुटिया लुटिया है तेरे पास, इतने सैनिकों को भोजन कहाँ से कराएगा? ऋषिवर बोले, सत्य है राजन तेरा ध्यान, कंदमूल फल के सिवा नहीं यहाँ सामान। महाराज बात तो तेरी सही है कि हम महात्माओं के पास कंदमूल फल के सिवा और क्या रखा है, लेकिन फिर भी चिंता मत कर, हम साधु हैं साधु, अरे हम तो मस्त रहते हैं। किसी ने कहा भी है, साधु तो फक्कड़ होते हैं मस्त रहते हैं, उनका मन तो बस फकीरी में है। किसी ने कहा है क्या, अरे मने लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो
सुख पाया राम भजन में, पायो नाही अमीरी में, मन लागो में रोया रूपसी। अरे मुनिवर कहने लगे, राजन हम साधु हैं, हम ये वादा करते हैं कि जो भी रूखा सूखा होगा आपको खिलाएंगे, भूखा आश्रम में से आपको नहीं जाने देंगे, आप भरपेट जाएंगे यहां से, जो होगा देखा जाएगा। ठहरा दे अपनी सेना को, स्नान कर और संध्या कर और आ जा कुटिया के आगे, हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। सहस्त्र बाहु नरपति हुआ ऋषपति का मेहमान, कामधेनु ने कर दिया सब स्वागत सम्मान। महाराज जमदग्नि यानी परशुराम जी के पिताजी के यहाँ इंद्र के यहाँ से गाय दी गई थी जिसका नाम था कामधेनु, और कामधेनु से चाहे जो कुछ मांगो उससे मिल जाता था। कामधेनु के द्वारा आज राजा की सारी सेना को चकाचक खूब बढ़िया भैया भोजन करा दिया गया। आनंद से आज पूरी सेना को भोजन कराया। जब उस कामधेनु को राजा सहस्त्र बाहु ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। बबलू भैया पानी आ गया। अब देखिए वो जैसे तैसे भोजन करके सहस्त्र बाहु से मीठी मीठी बातें सहस्त्र बाहु जमदग्नि ऋषि से करने लगा। कैसी बातें कि मुनिराज आप तो त्यागी हैं, होना चाहिए वैराग्य तुम्हें। फिर इस दुनिया की चीजों से क्यों नाहक है अनुराग तुम्हें। इस कामधेनु को रखने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। हाँ अगर हमारे पास रहे तो काम हमारा चलता है। रहती है भीड़ भाड़ प्रतिदिन सैकड़ों अतिथि मेहमानों की, पड़ती है मांग घड़ी पल में कुछ भोजन के सामानों की। अरे कहने लगा राजा सहस्त्र बाहु, हे मुनिवर, अरे यहाँ क्या रखा है, आपके यहाँ पर कौन खास मेहमान आते हैं, और इस कामधेनु गाय को आपको अपने पास रखने का क्या मतलब है। अरे ये तो हमारे राजाओं महाराजाओं के यहाँ होनी चाहिए, वहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं, हजारों मेहमानों की भीड़ लगी रहती है, पल पल में भोजन की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए ऐसा कर भाई ये कामधेनु गाय हमको दे दे। ऋषि बोले राजन इसे मेरा माल न जान। ऋषि बोले राजन इसे मेरा माल न जान, है तेरी ही इस तरह ये मेरी मेहमान। देख भाई ये माल मेरा नहीं है, ये माल किसी और का है, जैसे तू मेरा मेहमान है वैसे ये हमारी मेहमान है। ये कामधेनु जो है मैंने महाराज इंद्र के यहाँ से मंगाई थी, ये धरोहर है, मांग करके आई है, अगर तुझे चाहिए तो महाराज इंद्र के पास चला जा, वहीं मांग ले, और देख भाई अगर ज़्यादा भाग गई है तो वही अधिकारी हैं उनसे मांग ले। लेकिन बात बात में बतकड़ हो गई, रार बढ़ गई, बात बात में बढ़ गई दोनों की तकरार।
योगीराज जमदग्नि को दिया नीचे ने मार। उस दुष्ट राजा सहस्त्रबाहु ने क्या किया, ऋषि जमदग्नि को मार डाला, समाप्त कर दिया। महाराज जमदग्नि मर गए तो परशुराम की मां रेणुका हाहा करके चिल्लाने लगी, बेचारी रोने लगी, विवश बिचारी रेणुका, हा हा उठी पुकार, ऋषिकेशेष कुमार भी बैठे रहे झकुमार। रेणुका हाय हाय चिल्लाती है, आज रोती है, अबला का आत्मिक बल बढ़कर, बलवानों के सिर बोल उठा, पढ़ते ही छाती पर घूसा पढ़ते ही भगुपति का आसन डोल उठा, पुकार उठी, क्षण में उस दुखिया के आगे ऋषि नाहर की झनकार उठी, छोड़ा है अरे। आज जिस समय महाराज जमदग्नि समाप्त हुए तो रेणुका ने मारा अपने घूंसा जब, तो जहां भृगुनंदन परशुराम तपस्या कर रहे थे उनकी समाधि टूट गई क्षण भर में। आज जब आंखें खुली तो अपनी मां के पास आए, हे मां बता तेरी आंखों में आंसू कौन लाया है, तेरा दिल किसने तोड़ा है, बतला वो कौन छिछोड़ा है, माता की सेवा तज कर किसने तप की बूकी है, मैं कहता हूं मां बता मेरे ऐसे जब तरप को थू है जब तक मेरी मां रो रही है। यदि सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हो तो दोनों का उपकार करो, अपना उद्धार चाहते हो तो माता का उद्धार करो, बताओ मां। कहा रेणुका देवी ने रो रो कर सब हाल, लाल नयन कर लाल झट बोला धनुष संभाल। परशुराम की मां ने बताया, बेटा राजा सहस्त्रबाहु इस प्रकार से आए थे, उन्होंने उनकी सेवा की और जब कामधेनु मांगी तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा और उन्होंने क्रोध में मार डाला तुम्हारे पिता को। बस सुना तो परशुराम की आंखें लाल लाल हो गई, भैया क्रोध बढ़ गया परशुराम का। बस माता ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी, होंगे या छत्री
राज्य पृथ्वी ही होगी। या पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या विप्रों की पृथ्वी होगी। इन कर कमीनों ने जब से अधिकार भूमिका पाया है तब से सुशीलता के बदले उल्टा बिच्छू चढ़ आया है। पृथ्वी पर अपना माथा पटक पटक करके फोड़ा है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं मां, बस इसी चोट के बदले में खूनी दरिया भर डालूंगा। 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इस बार इस धरती पर अपना माथा पटक पटक करके फोड़ा है, ये तेरा लाला परशुराम प्रतिज्ञा करता है कि मैं 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का ढूंढ ढूंढ कर विनाश कर डालूंगा। इतना कहकर के वीर रेणुका लाल परशुराम सहस्त्रबाहु के सामने पहुंचते हैं। परशुराम के फरसे से सहस्त्रबाहु की सारी सेना संहार हुई और अंत में राजा सहस्त्रबाहु का विनाश भी परशुराम जी के द्वारा हुआ। आखिर चंद ही घड़ियों में उस अभिमानी का घमंड टूट गया और अपने वादे के मुताबिक उस सच्चे लंगोटी धारी वीर परशुराम ने अपने फरसे की धम से 21 बार ढूंढ ढूंढ कर क्षत्रियों का विनाश इस धरती से कर डाला। उस एक लंगोटी वाले से हार गया करोड़ों का दल है, वो भारत वालों याद रहे ये ब्रह्मचर्य व्रत का फल है। एक लंगोटी वाले परशुराम से 21 बार क्षत्रियों का विनाश हुआ। अरे भारत के वासियों, ये है हमारे ब्रह्मचर्य व्रत का फल। इसके अलावा इससे पहले एक अनोखी बात और हुई, ये तो वीरता देखी आपने, आप परशुराम जी की भक्ति देखिए अपने माता पिता के प्रति। एक दिन की बात है, जमदग्नि ऋषि पूजा करने जा रहे थे तो इनकी माता जो थी रेणुका वो जल भरने के लिए गई तालाब पर। वहां पर कुछ देर रुक गई क्योंकि वहां पर मछलियां जो हैं वो नृत्य कर रही थी, जल किरणाएं कर रही थी। ये देख करके वहां वो ठहर गई। तो जब लौट करके आई तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कहां रही, तो उन्होंने बता दिया अपने पति से। उसी समय जब बताया कि वहां पर तालाब के ऊपर मछलियां जो थीं वो किरणाएं कर रही थीं, मैं उनको देख रही थी। बस क्रोध आ गया परशुराम के पिता जमदग्नि को, फौरन अपने बेटों को बुलाया और कहा बेटो इस मां को मार डालो, इसने मेरा अनादर किया, बगैर मुझसे पूछे इतना देर तालाब तक खड़ी रही। ऋषि अपने बेटों से बोले इस मां को अभी मार डालो। किस विषय वासनाओं वाले विष को फौरन उतार डालो। हुकुम माँ की ममता दोनों ने ये भूचाल किया। जिसके कारण कुछ तय सुनकर सबने कहना तो टाल दिया।
परशुराम के पिता जमदग्नि ने बेटा अपनी माँ का गला उतार डालो, अपनी माँ को मार डालो। लेकिन बच्चे सोचने लगे कि अगर इधर तो माँ की ममता है, उधर बात पिता का प्यार है, पिता की आज्ञा है। सब ने टाला मटोली कर दी, सब ने कहा भाई हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसी समय आए वहां करम वीर प्रणपाल और उनसे भी जमदग्नि ने अपना किया सवाल। इतने में परशुराम आ गए। परशुराम ने कहा, उनसे कहा जमदग्नि ने, बेटा तुम अपनी मां को मार डालो, ये मेरी आज्ञा है। परशुराम ने ना अब देखा ना तब देखा, क्या देखा, अपना कर्तव्य देखा। उस झट कर्तव्य परायण ने अब देखा ना तब देखा, झट कर्तव्य परायण ने ना अब देखा ना तब देखा। बलधर ने केवल अपना कर्तव्य देखा, घिघियाते हुए बंधु देखे अथवा नसी सकृति माँ देखी, शांति की राह कहाँ देखी। तत्काल बिना कुछ कहे सुने पर से किसी भी धार हुई, बेटे के हाथों से ही माँ का संहार हुआ। रिसीवर ने फिर से आज्ञा दी, बेटा फिर धार सीधी कर दो, जैसे माँ को संहारा है यूं ही भाई संहार करो। जैसे माँ को संहारा है वैसे भाई संहार करो। जैसे माँ को संहार किया यूं ही भाई संहार करो। परम भक्त ने कर दिया उन सब का संहार, पकड़ हाथ जमदग्नि ने कहा उन्हें चुमकार।
जमदग्नि ऋषि के कहने से उनके बेटे ने क्या किया, माँ का वध कर डाला, भाइयों का वध कर डाला। तब बड़े प्रेम से आज जमदग्नि ऋषि ने अपने बेटे परशुराम का हाथ चूम लिया, चूम करके हाथ, और कहने लगे क्या, मेरे सपूत है धन्य तुझे, तू ही भूतल पर तुझ सा है। मैंने न आज तक देखा है, बेटा वास्तव में आज मुझे मालूम पड़ गया तू मेरा सच्चा सपूत है, संसार में तुझ जैसा कोई दूसरा बेटा मिलना बड़ा मुश्किल है, तूने वास्तव में सच्चाई के साथ मेरी आज्ञा का पालन किया है। अरे बेटा तूने अपनी माँ को मार डाला और तेरी आंखों में जरा सी हिचक तक नहीं आई, माता पर हाथ उठाते समय तेरा हृदय भी नहीं हिला, इस अटल वृत्ति का भक्ति का फल तेरा बेकार नहीं जाएगा, हे तात मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। बोलो बेटा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले पिता आपकी इच्छा पूर्ण हो गई तो मेरी इच्छा पहले पूर्ण हो गई, अगर देने चाहते हैं तो बस इतना दे दो कि मेरी माता और मेरे भाइयों को फिर से जिंदा कर दो, मुझको हत्या का दाग ना लगे, मेरी भक्ति में कसर ना हो और मेरे भाइयों में और माताओं के शरीरों में कोई फर्क ना हो, बस देना है तो ये दे दो। ऋषि के आशीर्वाद से उठे तभी तत्काल, हे भारत फिर कर प्रकट पृथ्वी पर वो लाल। बोलो सियावर रामचंद्र की। अरे तो परशुराम कह रहे हैं कि लक्ष्मण यह है मेरी कहानी, अरे जब मैंने इसी फरसे से अपने पिता के कहने से अपनी माँ का सिर उतार डाला, अपने भाइयों का सिर उतार डाला, तो तेरी हस्ती क्या है? परशुराम उबले कहा फिर भी वो बकवास। किस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद, बार बार ये प्रसाद दिखला करके क्यों हमको डराने आए हो? प्रसाद दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो साथ में आप भी लाए हो? अरे क्या मौत आपकी सवारी है जो अपने साथ में लेकर आए हो? चाहे जिसको चाहो उसको मार डालोगे फरसे से? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वो सूर नहीं कहलाते हैं नवीन जो अपने आप बखान करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। अरे वो लोहा तुमको ही शुभ हो, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनने माता का सिर काटा, शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का,
वनवासों ही में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। अरे बार 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 ये फरसा दिखाकर हमें क्यों डरा रहे हो? क्या काल आपका वाहन है जो साथ में लेकर आए हो? अरे धन्य है वो लोहा वो फरसा, आप ही को मुबारक हो जिसने अपने घर का खून चाट डाला। वो बलिहारी आपके हाथों में ही मुबारक हो जिसने कि अपने माता का सिर काट डाला। अरे शंकर का कोदंड खंड करता घमंड अपने बल का, लखन लाल ने फिर कहा अरे क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। काहे बार मारे चिल्लाते घूम रहे हो, हमने तोड़ दिया है उसे, आप जोड़ लो बबलू भाई। जो बने इमारत बरसों में घंटों में वो गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले। इमारत बनाने वाले घमंड करें, बिगाड़ने वाले नहीं, हम तो बिगाड़ने वाले हैं। घमंड करें तो बनाने वाले करें, क्योंकि बनाने में सालों लग जाता है, बिगाड़ने में एक मिनट नहीं लगता। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। अरे हम तो वो हैं कि हमारे सामने चुनौती लेकर अगर काल भी आ जाए तो हम काल से लड़ सकते हैं, काल से कुश्ती करते हैं। परशुराम ने कहा बस, अरे चुप हो जा, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। अब चुप हो जा, मौन हो जा रे बालक, वरना ये फरसा तेरी मौत बनकर तेरे सामने आ जाएगा। धिक्कार है मेरी भुजाओं पर जो मेरा फरसा इस बालक पर प्रहार नहीं कर रहा है। अरे व्यर्थ है इस कुल्हाड़े को जो इसका संघार नहीं करता है। है नहीं सवाल बाल बध का, ये खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, पर साहब इसे छाड़ता है। अरे जनक, अरे राम, अरे विश्वामित्र, मेरा कोई दोष नहीं है, कोई मत कहना मैंने बाल बध किया है, ये खुद अपना बध करवाने के लिए तैयार है। इतना कहकर जैसे ही फरसा हाथ में लिया, विश्वामित्र मुनि बीच में आ गए। कहने लगे मुनिराज क्षमा कर दे, ये बालक है। जब ये कहा है क्षमा कर दे तो कहा ठीक है मुनिवर, तुम्हारे कहने से छोड़े देता हूं, वरना इतना क्रोध आ गया था कि इसे मैं मार सतिया डालता। जब ये देखा लक्ष्मण जी ने कि वाह रे मुनिवा, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, अभी इतना क्रोध में थे और जरा सा कह दिया तो कहता ठीक छोड़े देते हैं। इस बात पर लक्ष्मण को भैया हंसी आ गई। जब लक्ष्मण को आई हंसी तो हंसी देख करके और क्रोध में आ गए परशुराम। जब क्रोध में आए, भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, भृगुपति की आंखें लाल लाल जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा, सीता कुछ सहमी जाती थी, इतने में परशुराम दौड़े फिर परसा हाथ में लिए हुए। परसे के नीचे आए, रघुबर नीचा सिर किए हुए, आज जैसे ही फरसा लेकर परशुराम दौड़ते हैं, प्रभु राम फिर सामने आ गए। कहा नाथ क्षमा कर दे, शांत हो जाएं मुनिवर, शांत हो जाएं। अरे गौरु शरीर श्याम मन माही,
है मुख नाही। सामने बड़ा मीठे शब्दों में कहने लगे, क्या सुनी लक्ष्मण भी हंसे बहुरी नैन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि वाणी वाम। बड़े प्रेम से कहने लगे, क्या अति विनीत मृदु शीतल बानी, बालक बाजा न करिया नहीं काना, बड़े मीठे वचनों में प्रभु राम कहने लगे, हे मुनिवाल, हमारी बात ध्यान देकर आप सुने। देखना, आज कहने लगे प्रभु राम, हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, आप कुठार की शरण में आया है ये मात। नाथ क्षमा करें, आपके सामने ये सेवक आपका जो राम है ना, ये आपके सामने मौजूद है, आप चाहें तो इस फरसे से हमारा सर काट लें, हमारा सर उतार लें आप। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। आज लक्ष्मण अपने मन में सोचने लगे कि वास्तव में परशुराम के क्रोध को उतरना और चढ़ना देख करके लग रहा है कि ब्राह्मण से कोई और जात सीधी दुनिया में नहीं है। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। जब ये हंसे तो भैया क्रोध आ गया परशुराम की,
और कहने लगे क्या कि हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को कर्माई फिर आ जाती है, देखो उस ओर तनिक देखो, हुआ अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है, आज इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा है। वार्तालाप चलते चलते प्रभु राम कहने लगे नाथ अरे आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महान हैं, आप कहते हैं कि आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम राम है। अरे मुनिवर बड़े मीठे वचनों में प्रभु राम कह रहे हैं, जरा आप विचार तो करें। भगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम या राम नाम चरणों पर है, कहिए किसका नाम बड़ा, वाही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा, भगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं, इतनी हटी अपनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभुपुर विरोध नहीं अच्छा, अरे मुनिवर आप में हम में तो बहुत बड़ा अंतर है, आपका नाम परशुराम है कितना बड़ा, मेरा नाम राम है जो आपके चरणों पर है। अरे महाराज हम क्या करें, हम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं, अगर हमारे सामने मौत भी चुनौती लेकर आती है तो हमें लड़ना पड़ता है, इसलिए आप बार बार हमें परसा दिखा के क्यों डरा रहे हैं। हाँ मुनिवर, हाँ द्विजवर, हे ब्राह्मण देव, आपके पास एक शस्त्र ऐसा जरूर है जिसका हम आदर करते हैं, वो शस्त्र ना लोहे का है और ना वो किसी के हाथ में रहता है, ना वो किसकी भुजाओं में है, वो सर्वदा इस शरीर से अलग रहता है। कहिए मुनिवर, कहिए बतला दे वो क्या है जिसको हमको अब भी डर है, द्रजराज देखिए नीचे को वा उन चरणों की ठोकर है। हे मुनिवर, ना हम किसी अस्त्र से डरते हैं, ना हम किसी शस्त्र से डरते हैं,
हम न लोहे के महान फरसों से डरते हैं, आपके पास एक अस्त्र ऐसा है हे ब्राह्मण देव, जो न हाथ में रहता है न शरीर में रहता है, वो शरीर से अलग है। कहिए नाथ, बता दें आपको कि वो केवल एक आपके चरणों की ठोकर है, एक ब्राह्मण के चरणों की ठोकर है, जिससे आज भी राम डरता है और डर रहा है। कोमल है वो पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही आ सकती है हे त्रिभुवन को जीत। कोमल है चरणों की ठोकर, लेकिन उसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो चाहे तो सारे संसार को जीत सकती है। नाथ, बस वही एक सर ऐसा है आपका, अस्त्र ऐसा है जो मेरे सर के लायक है, या आप उसे हमारे सर पे प्रहार कर सकते हैं, उसके लिए हमारा हृदय, हमारी छाती तैयार है। हाँ बंधुओं, धीरे धीरे हम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कथा का समापन करें। उससे पहले आपको बता दें, कभी भी आपको कोई संपर्क करना हो, किसी प्रोग्राम में बुलवाना हो, किसी उत्सव में बुलवाना हो, तो आप हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 2629-02। तो गूढ़ बचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। समझ गए, अरे ये तो राम नहीं है, ये तो अवतारी है। क्या कहा? राम रमापति कर धन ले हूं, रमापति का धनुष चढ़ाओ, हमारी शंका दूर करो। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। संशय दूर हो गया, हृदय में भाव आ गया, राम की मूर्ति देखने लगे। उसी समय गदगद हुए पूर्ण आनंद, विदुलवाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। आज प्रभु की वंदना करने लगे। बंधुओं, इधर बड़ी सुंदर झांकी लगी हुई है, कहे जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद, परुष राम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। और भक्त लोगों के नेत्र क्या देख रहे हैं, सुंदर झांकी लगी हुई है, दाएं रघुवीर सुशोभित है, बाएं जानकी जी विराजमान है, सीता और जनक जी वो भी हैं, श्री राम और सौमित्र यानी लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, दोनों राम जानकी और जितने भी जोड़े हैं उनके सिर के ऊपर विश्वामित्र अपना हाथ धरे हुए खड़े हैं। ये अद्भुत शोभा देख देख करके जनमंडल जो है वो आज अपने हृदय में फूला नहीं समा रहा है। आज वो रंग भूमि वाला बाजा फिर धीरे धीरे ध्वन में विवाह ध्वन का स्वर बजाने लगा, और उधर परशुराम जी वन की तरफ चले जा रहे हैं, प्रभु राम की वंदना करते हुए। क्या रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए कृषाणु
ज्ञान में प्रकटे प्रभुअन पति प्रभुअनुपति तर होकर भी निर्वाण हो तुम हे राम तुम्हारी से मुख है वे आज तुम्हारे सन्मुख है हम भक्त और भगवान हो तुम हे राम तुम्हारी अकल तुम्हारी मारी है मेरे तास में बसे देवता जिनकी चौकी भारी है बादशाह हैं श्री कृष्ण जी गोकुल के गिरधारी हैं बेगम हैं प्रसुभान दुलारी और राधिका प्यारी है गुलाम गोपी ग्वाल बाल हैं और शिव सखियां सारी हैं क्या खेलोगे तासमिया जी अकल तुम्हारी मारी है से न्यारी है नहले में नरसिंह रूप कहे लाड को दिया उबारी है अठा से तो अष्टभुजी दुर्गा सिंह की सवारी है क्या खेलोगे तासमिया जी अकल तुम्हारी मारी है सिंह की सवारी है सत्ता से सतवंती अहिल्या चरण छुआ कर तारी है छक्के से भाई छलबल चीना राजा बल से मुरारी है और पंजा से पवन सुत ने जाय के लंका जारी है
भारी मारी है। समुंदर छारी है और दुग्गी से द्रुपद सुता की राखी लाज मुरारी है। इक्का है एक हरि नाम का जो जग में उजियारी है। इक्का है एक हरि नाम का जो जग में उजियारी है। क्या खेलोगे ताश मियां जी, अकल तुम्हारी मारी है, अकल तुम्हारी मारी है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।